पहले हम कौन सी एल्गा पढ़ने जा रहे हैं? ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गी मैंने अभी आपको बताया कैसी है, मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, सबसे एडवांस्ड एल्गी अगर तीनों में से हम देखें तो ये ग्रीन एल्गी है। क्यों है ये एडवांस्ड? कैसे कह दिया हमने इसको एडवांस्ड? क्योंकि ये अनसेस्टर्स है, ये अनसेस्टर है मतलब पूर्वज है हायर प्लांट्स की, अनसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, कहां मिलती है इसके बारे में अगर आप कहें तो आप एक बार में कह सकते हैं ओस्मोपोलिटन, इट इज फाउंड एवरीवेयर, ऐसा फंगस थी ना कॉस्मोपोलिटन। सिमिलरली ग्रीन एल्गा इज कॉस्मोपोलिटन, मींस फाउंड एवरीवेयर। स्ट्रक्चर कैसा है इसकी? सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल बनी होती है इसकी, वही बेटा, एक तो सेलुलोज, तो आप याद ही रखना कि इनमें होगा ही होगा क्योंकि प्लांट है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की, इन दो की बनी हुई होती है सेल वॉल। किस किस फॉर्म में मिलती है ग्रीन एल्गा? हमें कई फॉर्म में मिलेगी बेटा, फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गा। यस बेटा, ग्रीन एल्गा में कौन कौन सी फॉर्म मिलती है? फर्स्ट है बेटा यूनिसेलुलर। अब देखो वैसे तो हमने कहा था एल्गी कौन होती है? मल्टी सेलुलर, तो फिर ये कौन आ गया? ये तो ऑब्वियस है कि इस किंगडम का एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन ऑफ किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में किनको डाला हमने? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को, तो अब मैं कह रहा हूं यूनिसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो एज पर रूल जो विटकर ने कहा था ये होने कहां चाहिए थे? ये तो प्रोटिस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि इनको कहां डाला जाए? प्रोटिस्ट के अंदर, क्योंकि ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स हैं, पर इनके करैक्टर्स ग्रीन एल्गा से मैच करते हैं इसलिए हम इनको प्लांटी में पढ़ रहे हैं। कौन कौन है इसके एग्जांपल? यूनिसेलुलर में एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, बहुत फेमस है बेटा क्लेमाइडोमोनास। ये टू किंगडम सिस्टम का एक्सेप्शन भी बना था, याद रखिएगा, ये मोटाइल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, मोटाइल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, और किससे चलती है? इसके पास फ्लैजिला होता है बेटा, देखो ऐसी होती है, इट्स फ्लैजिलेटेड। इसके पास यहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, यूनिसेलुलर है, और ये फ्लैजिलम से चल सकते हैं, दिस इज फ्लैजिलम। एक्सेप्शन है इस किंगडम का, है ये यूनिसेलुलर बट रखे किसमें? प्लांट्स में, और क्योंकि प्लांट में कौन आते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर होते हुए हमने यहां रख रखे क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है क्लोरेला, ये भी बहुत फेमस है, इसको स्पेस में साथ लेके जाते हैं। ये कौन है बेटा? नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, ये कैसी है? नॉन मोटाइल है और यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। थर्ड बेटा एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, इट इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, सबसे बड़ी एक सेल वाली प्लांट से अगर हम बात करें तो एग्जांपल इज एसिटाबुलेरिया। नाउ हमने देखे कि ये है कौन? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। सेकंड बेटा अब देखो कॉलोनियल, सेकंड हमारे आगे कॉलोनियल, पहला कौन है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। कौन कौन एग्जांपल है? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया। सेकंड एग्जांपल कॉलोनियल ग्रीन एल्गा, जो कॉलोनी में मिलते हैं, कॉलोनी में मिलने वाले कौन कौन है? इनमें कॉलोनी किसकी होती है? सेल्स की, जैसे यू कॉलोनी होगी बेटा इनमें कॉलोनियल। तो इसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स, इसका अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये ऐसी है बेटा, इस तरह से
ये कॉलोनियल है, एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स मोटाइल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी। हाँ जी, इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं अंदर इसके, फिर जब फिक्स नंबर आ जाएगा फिर इसमें डॉटर कॉलोनी इसमें डेवलप कर जाएगी। जैसे यहां पे ये डॉटर कॉलोनी आ गई, फिर जैसे नंबर बढ़ गया तो फिर ये सेपरेट हो जाएगी इससे। थर्ड फॉर्म बेटा देखो, इसका एग्जांपल कौन था, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया। इसका एग्जांपल अभी अभी हमने देखा वॉलवॉक्स मोटाइल कॉलोनी। थर्ड फॉर्म बेटा मल्टी सेलर फिलामेंटस, मल्टी सेलर हो और फिलामेंट की फॉर्म में हो। तो ऐसी ग्रीन एल्गा कौन सी मिलती है, यूलोथ्रिक्स, और एक नाम आपने सुना होगा स्पायरो गायरा, ये फेमस है, आपने 10th में आया होगा ये आपके आगे नाम। इसका ना हेलिकल शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरो गायरा। तो यूलोथ्रिक्स कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है बेटा, ये यूलोथ्रिक्स है, और स्पायरो गायरा इस तरह, इस फॉर्म में आपको इसका क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब बेटे नेक्स्ट, मल्टी सेलर थैलॉइड, फोर्थ एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गा है, मल्टी सेलर है और जिसमें थैलस है। मल्टी सेलर थैलॉइड होती है बेटा यूल्वा, ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी, मतलब ग्रीन एल्गा बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए आपके पास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एस्टेबिलेरिया, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और यूल्वा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गा। अब बेटे ग्रीन एल्गा में कौन से पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ग्रीन एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे, इसके पास बेटा पिगमेंट्स मिलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, मिलना ही मिलना है। सेकंड इनके पास मिलता है बेटा बीटा कैरोटीन, ये भी यूनिवर्सल है, मिलेगा ही। फिर और क्या मिलता है इनके पास, जेंथोफिल, जेंथोफिल्स, जेंथोफिल के अंदर इनके पास येलो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, येलो कलर्ड। इनके पास स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, इनके पास स्टोर्ड फूड है स्टार्च, द स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। ओके, और कुछ ऑयल, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलती हैं इनके पास। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, वही अभी मैंने आपको बताया था, फेवरेबल होगी तो क्या करेंगे, जू स्पोर्स बना देंगे, ठीक है बेटा। और अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स, यस बेटा। अब इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी कैसी होगी इनकी, हैप्लोइड, तो जाइगोटिक मियोसिस होगी इनके पास। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सी टाइप मिलेगी, तीनों ही मिल सकते हैं, आइसोगैमी मतलब दोनों गैमीट मेल और फीमेल के एक जैसे हों, एनाइसोगैमी एक बड़ा हो एक छोटा हो, और एक ऊगैमी फीमेल वाला गैमीट बड़ा हो और मेल वाला छोटा हो, तीनों ही पॉसिबिलिटी है गैमीट्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो। तो मतलब आप देखेंगे कि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये मिलते हैं जी, ए सेक्सुअल जू स्पोर से करती हैं, सेक्सुअल में जो गेमीट बनेंगे वो एक जैसे भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, फीमेल वाला बड़ा मेल वाला छोटा हो सकता है। अब इसके बाद बेटा ग्रीन एल्गा की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक यूजेस क्या है इसके,
हाँ जी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यस बेटा, एज फूड सर्व होते हैं, फूड में कौन, क्लोरेला, ओके, क्यों क्लोरेला, क्योंकि इसके पास प्रोटीन ज्यादा मिलता है, प्रोटीन की डाइट देनी हो और सस्ती हो तो क्लोरेला दे सकते हैं। सेकंड बेटा एंटीबायोटिक, क्लोरेला से आपको एंटीबायोटिक भी मिल जाएगा, कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है, क्लोरेलिन, कौन सा, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक का सोर्स ग्रीन एल का। स्पेस रिसर्च में मैंने बताया ना आपको शुरू में कि जो स्पेस रिसर्च में जाते हैं वो भी क्लोरेला ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए, तो क्लोरेला अगर वहां पे स्पेस शटल में है तो आपके पास ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ये फोटोसिंथेसिस करती रहेगी ना बेटे, तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी स्पेस ट्रेवलर्स को। और इनमें एक ना पैरासाइटिक एल्गा भी है, पैरासाइटिक एल्गा, पैरासाइटिक एल्गा कौन है, पैरासाइटिक एल्गा होती है बेटा सिफेलो सिफेलीरोज, सिफेलीरोज, हाँ जी, पैरासाइटिकली कहां रहती है, ये टी प्लांट्स के अंदर, टी प्लांट के अंदर ये पैरासाइट मिलती है ग्रीन एल्गा, ओके, और इससे एक डिजीज आती है रेड रस्ट डिजीज, रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट। This is completion of your first algae, which is green algae, most advanced algae. तो इसके examples और इसके uses आपने learn करने हैं।